इंडिया पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस को इस कंपनी के नतीजे अच्छे लगे और सभी के सभी एक सुर में ये कह रहे हैं कि जो रियलाइजेशन है उसमें एक तगड़ा जम देखने मिला है, जिससे ये काफी खुश है। साथ ही साथ इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो ब्रोकरेज हाउसेस को काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और साथ ही साथ जो डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की वो काफी अच्छी लग रही है। इसके लिए तीन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है और तीनों ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। सीएलएसए खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 275 से बढ़ा के 290 का कर दिया है। सिटी खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 300 से बढ़ा के 320 का किया है। और ईडलवाइज ने भी यहाँ होल्ड की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 243 से बढ़ा के अब 263 का किया है। तो नतीजे अच्छे, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव और डिविडेंड यील्ड जो है वो काफी अच्छी है, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए सीएलएसए की रिपोर्ट है और ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और इन्होंने तो अपना प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 240 से बढ़ा के 285 का किया है। इनका कहना है कि नतीजे कमजोर है लेकिन काफी सारे वन ऑफ है, इम्पेयरमेंट चार्ज है, जिसके वजह से ये नतीजे जो है वो कंपनी के अनुमान से कमजोर आए हैं। लेकिन आगे ये क्लैरिटी है कि इनको कोई सब्सिडी बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा और एक री रेटिंग हो सकती है स्टॉक की, ऐसा सीएलएसए का कहना है। इन्होंने अपने ईपीएस एस्टीमेट को भी 14-18% तक बढ़ा दिया है और प्राइस टारगेट को बढ़ाया है। और मैक्वेरी की रिपोर्ट है, ये भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं और 210 रुपए के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल ONGC पर रिपोर्ट।